अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियां। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? Stories from our childhood. Good job, you guys. You remembered. आज की कहानी का नाम है बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डालेगा? Who will bell the cat? घंटी यानी bell और बिल्ली यानी cat. और इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं बिल्ली और चूहे, कैट एंड अ ग्रुप ऑफ माइस। एक चूहा माउस कहलाता है और ज्यादा चूहे माइस। और इस कहानी में हमें ये देखना है कि चूहे जो कि बिल्ली से तंग आ चुके हैं, वो उसे छुटकारा पाने के लिए क्या तरकीब सोचते हैं। यानी ऑल द माइस हु वर फेड अप ऑफ अ कैट, व्हाट सॉल्यूशन डू दे कम अप विद टू गेट रिड ऑफ द कैट? और क्या वो तरकीब कामयाब होती भी है या नहीं? So do they even end up being successful or not? So let's find out together. पर इससे पहले कि हम अपनी 14th story यानी कि 14वीं कहानी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से comfortable होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुनें, इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा एंड यूज योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डालेगा? एक दफा का जिक्र है, बहुत से चूहे एक जगह पर बहुत खुश रहते थे, यानी के अ ग्रुप ऑफ माइस। सो वंस अपॉन अ टाइम अ ग्रुप ऑफ माइस यूज टू लिव टुगेदर वेरी हैप्पीली इन अ प्लेस। मगर वो बहुत देर खुश नहीं रह सके क्योंकि वहां एक बिल्ली आ गई। सो एन इंट्रूडर हु वाज अ कैट also came to the place where the group of mice used to live. चूहों का आराम से घूमना फिरना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि रोज बिल्ली चुपके से आती और दो चार चूहों को हड़प कर जाती। So now it was very difficult for the mice to move freely because the cat would come quietly and she would take away two or three mice and eat them up. तो चूहे बिल्ली के हाथों तंग आ चुके थे। Mice were really fed up of the cat now. एक दिन सब चूहों ने इकट्ठे होकर ये सोचा कि कोई ऐसी तदबीर सोचनी चाहिए जिससे हम बिल्ली से छुटकारा पा सकें। तदबीर यानी सजेशन और प्लान और छुटकारा, छुटकारे का मतलब है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। सो व्हाट हैपेंड? वन डे ऑल द माइस गॉट टुगेदर एंड दे सेड दैट वी नीड टू कम अप विद द तदबीर यानी विद अ सजेशन और अ प्लान of how to get rid of the cat, कि हम उसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं।
चूहों ने कहा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो हम सबको एक दिन खा जाएगी। So the mice thought that if we don't do anything about it, the cat is going to eat all of us one by one. So we must do something. तमाम चूहों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। राय यानी suggestions. So everyone started to give their suggestion of how to get rid of the cat. तो किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन कोई भी ऐसी तदबीर नहीं बता सका जिसकी वजह से बिल्ली के पंजों से छुटकारा हासिल हो जाता। फिर एक नौजवान चूहे ने खड़े होकर कहा, नौजवान यानी के यंग, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम बिल्ली से छुटकारा पा सकते हैं। So a young mouse stood up and said that I have a solution which can help us get rid of the cat. चूहों ने खुश होकर पूछा कि वो क्या तरकीब है। So everyone asked, what is this great idea? Tell us. नौजवान चूहे ने कहा, हमें बिल्ली के आने का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो बहुत आराम से आती है। क्यों ना हम बिल्ली की गर्दन में घंटी डाल दें? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नौजवान चूहे ने, यानी कि जो यंग माउस है, उसने जो हमें तरकीब, जो आइडिया दिया है कि हम बिल्ली की गर्दन में घंटी डाल देते हैं, उससे क्या होगा? मैं तो आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सोचें कि बिल्ली की गर्दन में अगर घंटी होगी तो उससे क्या फायदा होगा। जी, बिल्ली की गर्दन में घंटी होगी तो इट विल मेक नॉइज, राइट? सो इफ यू पुट द बेल अराउंड द कैट्स नेक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? When she will come, you will get to know because the bell is going to make sound. And if you're able to hear the sound from afar, then you can prepare yourself better, right? Did you guess that? Good job, you guys. नौजवान चूहे के इस मशवरे से बाकी चूहे खुशी से उछल पड़े। उछल पड़े? Any, they started celebrating. They started jumping around and celebrating that now we have a solution how to get rid of the cat. खुशी में कोई चूहा कहता कि मैं बिल्ली के पांव पकड़ लूंगा, कोई चूहा कहता मैं बिल्ली की दुम पकड़ लूंगा। दुम यानी टेल। So all the mice started volunteering. Okay, I'm going to grab cat's legs. And the other one said, I'm going to grab the cat's tail. Koi kuch kehta aur koi kuch. So everyone was celebrating with excitement that now we have a solution, right? Ek budha chuha ye tamam baatein khamoshi se sun raha tha. Budha yani old. खामोशी यानी क्वाइटली। सो देयर वॉज एन ओल्ड माउस हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग ऑल ऑफ दिस। बूढ़े चूहे ने सवाल किया। सवाल किया यानी ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। क्या तुम सबने ये सोचा है कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डालेगा, कौन उसका सर पकड़ेगा? सो द ओल्ड एंड वाइज माउस आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ही सेड, हैव यू थॉट अबाउट दैट हु इज गोइंग टू होल्ड एंड हु इज गोइंग टू बेल द कैट? ये सुनते ही तमाम चूहे खामोश हो गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वो ये कह सकता कि बिल्ली के सर को मैं पकड़ लूंगा या उसकी गर्दन में घंटी मैं डाल दूंगा। So no one was brave enough or no one had the guts to volunteer that they would bell the cat. और अभी वो ये बात सोच ही रहे थे कि इतने में दूर से एक आवाज आई और तमाम चूहों में बगदड़ मच गई। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जो बूढ़ा चूहा था वो ये क्यों सवाल कर रहा था कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डालेगा या उसका सर कौन पकड़ेगा? जी इसलिए क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट टास्क था और इसकी सक्सेस के ऊपर ही उनको फायदा होना था जो वो चाह रहे थे। अब वो क्या चाह रहे थे? दे कैन गेट रिड ऑफ द कैट। वो कैट से, वो बिल्ली से छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो इस कहानी से आपने क्या लेसन लर्न किया है? इस कहानी से हमने ये लेसन लर्न किया है कि हमें एक सलूशन को सोच कर उसको सेलिब्रेट करना नहीं शुरू कर देना चाहिए जब तक हमें ये पता नहीं है कि वो प्लान जो हमने बनाया है वो एग्जीक्यूट भी हो सकता है या नहीं। सो वी हैव टू थिंक इफ वट एवर प्लान वी हैव मेड और वट एवर सजेशन और सोल्यूशन वी हैव कम अप विथ, इज इट फीजिबल? कैन वी एक्चुअली डू दैट? आप मुझे ये बताएं कि बिल्ली की गर्दन में घंटी डालने के लिए कोई क्यों तैयार नहीं था? सजेशन तो बहुत ज़बरदस्त थी, इट वॉज रियली नाइस, बिकॉज अगर आप गर्दन में डाल देते उसके घंटी तो बिल्ली के आने की आवाज़ आ जाती और हमें पता चल जाता कि वो आ रही है और चूहे जो हैं बच जाते, राइट? इसलिए क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम था और वो डूएबल इसलिए नहीं था क्योंकि हुएवर वॉज गोइंग was most likely going to be eaten by the cat, right? क्योंकि एक छोटा सा चूहा बड़ी सी बिल्ली की गर्दन को जब पकड़ने की कोशिश करेगा तो the cat can easily grab the mouse and eat it, right? तो हमें हमेशा वो solution ढूंढना चाहिए जो कि आप actually कर सकते हों। The old mouse was wise enough to realize that you need to evaluate a plan, yani jo aap suggestion de rahe hain usko evaluate aap kare on the basis of not ki uski outcome kya hogi but aap usko execute kar sakte hain ki nahi. Ye kahani apni amma baba se zarur discuss kijiyega. And now is the time for a quiz. तंग का क्या मतलब होता है? चूहे बिल्ली से तंग आ गए। जी, fed up. तदबीर, चूहे कोई ऐसी तदबीर सोचना चाहते थे। I will count till five. 1, 2, 3, 4 and 5. तदबीर का मतलब होता है a strategy, a suggestion or a plan. What does नौजवान mean? जी, नौजवान चूहा यानी के young mouse. और बूढ़ा? बूढ़ा means old. अब जल्दी से घंटी बता दें, बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डालेगा? गर्दन यानी के नेक और घंटी यानी बेल। यू गॉट इट राइट, गुड जॉब यू गाइस। एंड नाउ इज द टाइम फॉर द टीजर, हमारी नेक्स्ट कहानी का
जिसका नाम है लोमड़ी और कव्वा। और इस कहानी में एक लोमड़ी यानी कि एक फॉक्स जो एक कव्वे यानी क्रो की बीक में चोंच में एक चीज का पीस देखती है वो उसे कैसे लेती है। पर ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी यानी कि एपिसोड नंबर 15। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहें कि वो सब्सक्राइब करें मेरे पॉडकास्ट को जिसका नाम है, क्या नाम है, बचपन की कहानियाँ। उसको सब्सक्राइब करें ऑन iTunes एंड Spotify। मुझे अच्छी रेटिंग दें, फीडबैक दें और दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें। नेक्स्ट स्टोरी तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान। साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।